तो भाई अब हम लोगों का भी मजे मजे, क्योंकि भाई अब गद्दर 2 ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना डाले जो कि कोई भी बॉलीवुड मूवी बीट नहीं कर सकते गद्दर 2 को। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पठान मूवी को भी ये पीछे छोड़ दिया गद्दर मूवी, कैसे सुल्तान मूवी को भी गद्दर मूवी ने पीछे छोड़ दिया। तो गाइस, इसी के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ में पांच ऐसे फैक्ट बताऊंगा गद्दर 2 के वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी कि जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है गद्दर 2 ने उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूं तो पहला पॉइंट है ये कि भाई लोग 6 दिन की कलेक्शन जो कि गद्दर 2 ने बनाई है 300 करोड़ से प्लस, आप लोग जान सकते हो। बात करते हैं जो दूसरा है रिकॉर्ड, वो क्या है। तो गाइस, फाइनली वर्ल्ड वाइड इन्होंने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया है अभी तक, और ये तो बहुत आगे जाएगा। बात करते सिर्फ इंडिया में इन्होंने कितना करोड़ कमाया है अभी तक फिलहाल, जो कि तीसरा पॉइंट है हमारा। तो फाइनली अभी तक के फिलहाल, ये वीडियो जब तक आप देख रहे हो वहाँ तक के 543 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुके हैं गद्दर 2 मूवी। आपको बता दूं कि गद्दर 2 के हम कंपेयर करते हैं पठान मूवी से, आखिर कैसे पठान मूवी के साथ 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 नहीं उससे ऊपर चले आए गद्दर 2 मूवी। हम बात करते हैं 6 दिन के कलेक्शन पठान मूवी के कितने हैं, वो कि है 296 करोड़ सिर्फ। और वहीं पे हमारा गद्दर 2 फिल्म जो सनी पाजी का, उनका फिल्म का जो है कलेक्शन 6 दिन का, वो 300 से ज़्यादा है। तो एक रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक कर दिया गया, और दूसरा रिकॉर्ड है हमारा सुल्तान मूवी जो कि सलमान भाई का है, यानी कि सलमान सर का है। तो इनके भी मूवी है सुल्तान, इनकी जो 6 दिन की जो कलेक्शन थी वो थे 196 करोड़ मात्र। और यहीं पे आपको तो पता ही है गद्दर 2 ने कितना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो 300 से ज़्यादा। तो आप लोग समझ सकते हो कि भाई गद्दर 2 किस तरीके से अपना हाइप बढ़ा रहा है, और ये आगे तक भी फेमस होने वाला है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो यार आप लोग सब्सक्राइब करना, और मैं इसी तरीके से फैक्ट वाला जो कि वीडियो फिल्म और कोई भी वेब सीरीज भी होता है उसके बारे में वीडियो डालता हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा घर चलता है। तो इसके लिए जय श्री राम।